हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और आप सबका दोबारा से मैं ब्लॉग में स्वागत करती हूँ दिल से। तो गाइस, फिर से आपको बताने चाहती हूँ एक चीज़, मैं बहुत ज़रूरी, पहले आप ये वाले वीडियो देख लीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी आरती जी का तबीयत ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। तो गाइस, आपने क्लिप देख लिया कि आरती की तबीयत सडनली हो गई है ख़राब। अब ख़राब कैसे? देखो, वो सुबह 4 बजे उठती है। कहते हैं ना, एक लड़की की ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, ये सच बात है। सुख उसको, शायद मैं यही कह सकती हूँ, सुख एक लड़की को जीवन में सच में नहीं है, ना उसको पीहर में है, ना उसको ससुराल में है। सुख इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, किसी और के घर पे वो जाती है तो सुन नहीं सकती किसी की। जब अपने माँ बाप के घर रहती है तो दिन भर भी सुनती है, तब भी सुनती है, सुनना उसको हमेशा ही पड़ता है। तो यही सोच के, मतलब कि वो सुबह 4 बजे उठती है, नहाती है, धोती है, मतलब सारा घर का काम करने के बाद, जो पहले शायद वो नहीं करती होगी अपने घर पे, अब सडनली, मतलब तो देख सकते हैं दोस्तों अभी कितना जीत करने, मतलब कि उसको 4 बजे उठना पड़ता है, भैंस का सब कुछ देखना पड़ता है, उसको पूरा परिवार की जिम्मेदारी है उस एक आरती पर। और इस तरह की जिम्मेदारी से कहते हैं कि एक मेहनती लड़की भी है वो, और एक घरेलू समझते हो ना आप लोग, पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेने वाली लड़की है। और हम लोग, पता है, उसको इतना गलत गलत बोल रहे हैं। कुछ लोग इस तरह की भाषा यूज़ कर रहे हैं कि आरती मर जाए, आरती का ये हो जाए, आरती वैसी हो जाए। गाइस, सच में तुम्हारी दुआओं ज़्यादा बड़ी हैं, बद्दुआ बहुत जल्दी लग जाती है हर किसी को, तो किसी को भी इतनी बद्दुआ मत दीजिए कि वो इंसान इंसानियत के नाम पर भी डरने लग जाए, इतना खौफ हो जाए उसको इंसानियत पर भी कि वो कभी इंसान पे भरोसा ही ना कर पाए, इंसान की कभी दुआओं और बददुआओं में उसको असर और बेअसर दिख जाए। इस तरह का मत करिए, इतनी भी उसकी लाइफ मत ख़राब कीजिए कि वो इंसान अब खड़ा भी ना हो पाए। प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट आप सबसे, यही उम्मीद करके मैंने ये वीडियो बना रही हूँ इस टॉपिक पर, ज़्यादा परेशान करोगे वो पता है डिप्रेशन हो जाएगी। डिप्रेशन में, मतलब इंसान पता है ना आपको कैसा हो जाता है, इतना मतलब कि इस तरह से कमेंट करते हैं लोग, कुछ फालतू कमेंट कर देते हैं कि आरती मर जाए, तुम जिंदा किस लिए हो, तुमने छोटू को मार दिया। यार, उसने क्या मारा? क्या उसकी लाइफ ख़राब नहीं हुई? कितने लोग नहीं जानते कि उसकी लाइफ कितनी ख़राब हो गई, पर सब लोग उसको इतना गंदा बोलने पर तुले पड़े। अभी भी कुछ लोग इस फालतू सी बात बोल देते हैं कि वो उसने मारा है, उसने मरवाया है उसको, छोटू को, और मन्नू से शादी करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस शख्स की तुम बात कर रहे हो ना, मन्नू, वो शख्स सच में इंसान है। जहाँ लोगों का क्या कहता है, ऐसे ऐसे वो हो जाते हैं, उस तरह में आप कभी, तब क्यों नहीं बोलते आप लोग उस लड़की को, लड़की गलत, हाँ उस लड़की, तब क्यों नहीं आप लोग बोलते? हर कोई लड़की गलत नहीं होती, और ना हर जगह लड़के गलत होते। कुछ मन्नू जैसे भी शख्स ऐसे आज के दौर में मौजूद हैं जो इंसानियत को दर्शाते हैं और समझाते हैं कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बनाने में सेकंड नहीं लगती है। तो गाइस, यही कहना चाहती हूँ, देखो अगर आप उसे सहारा नहीं दे सकते ना, तो बेसहारा भी मत करो। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। वो तुम्हारे घर खाने नहीं आ रही, ना तुमसे मांगने आ रही, ना तुमसे भीख मांग रही है, वो जी रही है तो जीने दो। और प्लीज़, इस वीडियो पे कमेंट गंदा नहीं आना चाहिए। गंदा बोलना बहुत आसान है, जब वो गंदा आपने ऊपर आता है ना, तब पता लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट टाइम से एक चीज़ यही बोलना चाहूँगी, गंदा मत बोलना प्लीज़। उम्मीद उसको देनी है आरती को, एक जीने की। अभी वो बीमार पड़ गई ज़्यादा, हालत तो उसकी ख़राब है, फिर दोबारा से डॉक्टर आएगा, फिर बताएगा क्या परेशानी है, बताएंगे आपको क्या परेशानी है और क्या। अगर ये सोच रहे हो आप लोग, गुड न्यूज, ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए है, आप लोगों के लिए भी होनी चाहिए। तो गाइस, करती वीडियो स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।